स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर गुरबीर कौर। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम मॉडल्स करेंगे, मॉडल्स जो परमिशन और ऑब्लिगेशन के साथ रिलेटेड हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ये आपको स्पोकन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जो काम आएंगे आपको स्पोकन के लिए भी काम आते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं। फर्स्टली परमिशन से शुरू करते हैं। परमिशन के लिए फर्स्टली क्या यूज़ होता है? कैन। ठीक है, वी ऑफन यूज़, हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं ना, वी ऑफन यूज़ कैन टू आस्क फॉर और गिव परमिशन। ठीक है, परमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यू कैन यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक। ठीक है, और कैन आई मेक अ सजेशन, तो ये क्या हो गया? सारे परमिशन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कुड। अब कुड किसके लिए यूज होता है? वी ऑल्सो यूज कुड टू आस्क फॉर परमिशन बट नॉट टू गिव इट। कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट दैट कैन। क्लियर? तो कुड क्या है? ज्यादा फॉर्मल और पोलाइट है कैन से। कुड आई आस्क यू समथिंग? ठीक है, कुड आई इंटरप्ट? कुड आई बोरो यूर पेन फॉर अ मोमेंट? क्लियर? Could I ask you something? Could I interrupt? Could I borrow your pen a moment, please? ठीक है, तो ये can और could क्या है? दोनों किसके लिए use होते हैं? Permission के लिए use किए जाते हैं। ठीक है, तो next आता है may. May is most formal way to ask for and give permission. ये बहुत फॉर्मल, एज अ फॉर्मल यूज़ किया जाता है। जैसे हम क्लास, अब देखो क्लास में मैं आई कम इन, तो पता है टीचर उसको मना नहीं करेगी, तो ये फॉर्मल ही होता है। ठीक है, परमिशन मिलेगी मिलेगी हमें इसमें। ठीक है ना, तो मे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़। क्लियर? तो इसमें चाहे कह रहे हैं बट उसको पता है कि जो नेक्स्ट वाला बंदा है कि इस चीज़ की परमिशन उसको मिलेगी मिलेगी। क्लियर? कस्टमर मे रिक्वेस्ट अ रिफंड विद इन पीरियड ऑफ 30 days। दिस पेजेस मे बी फोटो कॉपीड फॉर क्लास रूम यूज़। क्लियर? तो ये तो हो गए सारे परमिशन के लिए। तो नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन के लिए। ठीक है, तो वी यूज़ कांट, मस्ट, नो, मस्टन्ट टू शो दैट समथिंग इज़ प्रोहिबिटेड, मीन्स इट इज़ नॉट अलाउड। क्लियर? तो फर्स्टली कांट, वी यूज़ कांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट द रूल। क्लियर? कांट कब यूज़ करते हैं? कि जो अगेंस्ट के रूल है, पर्टिकुलर वेन वी डिडंट मेक द रूल्स। क्लियर? जैसे वॉट डज दिस साइन से? ओ वी कांट पार्क हेयर, तो हम यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, इसकी परमिशन नहीं है, इसकी जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है। क्लियर? यू कांट टेक फोटोज इन द म्यूजियम, दे आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट। क्लियर? तो आप नहीं ले सकते यहाँ फोटोज। सॉरी वी कांट सेल नाइफ्स टू अंडर 18। क्लियर? तो ये क्या है? कांट प्रोहिबिशन के लिए। ठीक है, और मस्ट नॉट एंड मस्टन्ट, वी यूज मस्ट नॉट टू टॉक अबाउट वट इज नॉट परमिटेड, जो आप जिस चीज़ की आपको परमिशन नहीं है। इट इज़ कॉमन ऑन पब्लिक साइन एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग पीपल ऑफ रूल्स एंड लॉ। ठीक है, जो मैक्सिमम आपको पब्लिक साइन का जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पे ये करना मना है या वो करना मना है। क्लियर? विजिटर मस्ट नॉट पार्क इन द स्टाफ कार पार्क, जो विजिटर है वो स्टाफ कार पार्क में पार्किंग नहीं कर सकते। क्लियर? बैगेज मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेंट, गेस्ट मस्ट नॉट मेक नॉइस आफ्टर 10 PM। क्लियर? जो गेस्ट है वो शोर नहीं डाल सकते 10 बजे के बाद। कहते वी यूज मस्ट पर्टिकुलरली वेन द प्रोबेशन कम फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, जब कोई बोल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स टू चाइल्ड, जैसे पेरेंट्स बच्चे को बोल रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं करने के लिए। यू मस्ट नॉट, जब मस्ट नॉट या मस्टन्ट से थिंग्स लाइक दैट टू योर सिस्टर। क्लियर? द टीचर स्टूडेंट को बोल रही है, यू मस्टन्ट टू बी लेट टू क्लास। ठीक है, यू मस्ट नॉट बी लेट टू क्लास, क्लास के लिए लेट नहीं हो सकते। आई मस्ट नॉट लेट दैट हैपन अगेन। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी जैसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वी यूज़ हैव टू एंड मस्ट टू। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा ये हैव टू और मस्ट टू किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन दे यूज दैम। हैव टू शो अस दैट द ऑब्लिगेशन कम फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर, कि कोई हमें कह रहा है, कि कोई हमें अपनी ड्यूटी बता रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर? वी हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म,
व्हेन वी वर वर्किंग इन द रिसेप्शन, ठीक है, एंड द स्टूडेंट टू टीचर, स्टूडेंट टू टीचर, व्हेन डू वी हैव, व्हेन डू वी हैव टू हैंड इन आवर होमवर्क, ठीक है, ऑल हैज़ टू वर्क टुमोरो सो ही कांट कम, क्लियर। तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, हैव टू यूज़ होगा। तो वी सम टाइम कॉल दिस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, कि अब हमें एक्सटर्नली कोई कह रहा है कि यू हैव टू डू दिस, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए। अगर हिंदी की बात करते हैं, हैव टू मस्ट टू का मतलब यही है, करना चाहिए, बस हैव टू ये है कि आप पे डंडा लगाया गया कि हाँ आपने ये करना ही करना है। और मस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी इनर, ठीक है, हमारी अंदर से आवाज़ आती है कि हमें ये करना चाहिए, क्लियर। कहते हैं मस्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, इट ऑफन शोज दैट ऑब्लिगेशन कम फ्रॉम द स्पीकर और द अथॉरिटी दैट रोट द सेंटेंस, क्लियर। आई मस्ट फोन माई डैड, इट इज़ हिज बर्थडे टूडे, ठीक है, तो मैं अपने फादर को फ़ोन करना चाहिए था कि उसका बर्थडे है, ठीक है। टीचर टू स्टूडेंट, यू मस्ट हैंड इन योर होमवर्क ऑन ट्यूजडे और यू विल लॉस 10% ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, साइन ऑन अ प्लेन, सीट बेल्ट मस्ट बी वोन बाय ऑल पैसेंजर्स। नोट दैट वी डोंट यूज मस्ट टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, तो पास्ट के लिए ये नहीं यूज होगा, ठीक है। वी यूज हैव टू इंस्टेड, आई हैड टू पे 85 pounds टू रीन्यू माई पासपोर्ट लास्ट वीक, ठीक है। जहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगी तो उसके साथ क्या आएगा, डोंट हैव टू। We use don't have to show that there is no obligation. You can do something if you want, but it is not compulsory. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, ये कोई compulsory नहीं है। जैसे कि example, you don't have to wear a tie in your office, but some people like to dress more formally. ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहनना चाहते हो तो formal दिखने के लिए तो पहन सकते हो। You don't have to go to the bank to do transfer. You can do it online. कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक में, कि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। You don't have to come with me. Honestly, I will be fine. I will be fine. कि मैं ठीक हूँ, आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं ऑब्लिगेशन और परमिशन के लिए मॉडल्स, क्लियर। तो नेक्स्ट बेसिक ग्रामर की भी वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।